14,000 के करीब असिधे रूप के अंदर लोगों को रुजगार के मौके प्रदान हो। पिछले 5 साल दौरान 500 तो वध असामिया खाली हो गया और सारिया असामिया सीधी भर्ती राही असी प्रवानगी दी है। ग्रुप सी ते डी दी जिहड़ी आ इह सीधी भर्ती राही भरिया जाणगियां और इहदे नाल मैं समझदा साडे पंजाब दे नौजवान वर्ग नूं खास करके साडे नौजवान मुंडे कुड़ियां नूं जिहड़े पंजाब दे अंदर जॉब करना चाहुंदे नें एक बहुत वड्डा एक मौका मिलेगा। हर मीटिंग दे अंदर पंजाब दे नौजवानां दे लई रोज़गार दे मौके मुहैया करवाए जांदे नेगे, चाहे पोस्टां 500 होण, चाहे 700 होण, चाहे 1,000 होवे, चाहे 10,000 होवे, चाहे 20,000 होवे। ते पिछले 5 साल तक कोई पंजाब के लोग इतने आते नहीं सके, लगभग सैक्रेटरीएट बंद रहता सीगा और सारे मुख्यमंत्री साहब भी लोगों को मिलते सके। सिर्फ अध्यापकों तो अध्यापकों का काम ही लिया जाए, जोड़े दूजे काम ने गे उन्होंने देखने के लिए असं प्रबंध किया गया तो ये एक वक्रा बजट बनाया गया। पंजाब दे कई अहम मामलों नूं लैके पंजाब मंत्री मंडल ने अज मीटिंग कीती जो हुण खत्म हो चुकी है। यह मीटिंग शुक्रवार नूं मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई हेठ हुई सी। इस दौरान कई अहम फैसलों ते मोहर लगाई गई है। इस मामले ते जानकारी देंदे हुए खजाना मंत्री हरपाल चीमा ने दस्या कि मिल्क फैट दे विच 500 असामियां भरिया जाणगियां। नाल ही उन्होंने कहा कि यह भर्ती ग्रुप सी अते डी दे विच कीती जावेगी। हरपाल चीमा ने दस्या कि यह असामियां पिछले 5 साल तो खाली पईआं सन। बेरका डिपार्टमेंट के अंदर जिहड़ा कि पंजाब का एक अहम डिपार्टमेंट आ जिहदे विच लगभग पिछले 5 साल के उत्तों 500 तो वध असामिया पिछले 5 साल दौरान 500 तो वध असामिया खाली हो जाणगियां और सारिया असामिया सीधी भर्ती राही असी प्रवानगी दी आ कि 500 असामिया ग्रुप सी अते डी दियां मिल्क फैट डिपार्टमेंट जिहड़ा हैगा वह भरूगा। मैं समझदा इहदे नाल बेरका डिपार्टमेंट के अंदर होर पारदर्शिता आऊगी, बेरका डिपार्टमेंट का मिल्क फैट का जिहड़ा कारोबार आ वह होर वधूगा और 500 असामिया अज कैबिनेट दे प्रवानगी दी आ और ग्रुप सी ते डी दी जिहड़ी आ इह सीधी भर्ती राही भरिया जाणगियां और इहदे नाल मैं समझदा साडे पंजाब दे नौजवान वर्ग नूं खास करके साडे नौजवान मुंडे कुड़ियां नूं जिहड़े पंजाब दे अंदर जॉब करना चाहुंदे नें एक बहुत वड्डा एक मौका मिलेगा। मैं गल साझी कर रहा कि जदों भी कोई पंजाब की कैबिनेट की मीटिंग होंदी आ हरेक मीटिंग के अंदर जदों भी एक कोई भी अज तक मीटिंग हुई है हरेक मीटिंग के अंदर पंजाब सरकार ने सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई के अधीन हर मीटिंग के अंदर पंजाब के नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके मुहैया करवाए जाते हैं, चाहे पोस्टा 500 हो, चाहे 700 हो, चाहे 1,000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 20,000 हो, हर बार असी पोस्टा जड़ियाँ उदा अनाउंसमेंट करते हैं। सो अज जी 500 असामिया मिल्क फैट असी प्रवानगी दी है ताकि जिहड़ा मिल्क फैट अदारा गा उहदे अंदर मुलाजमान की कोई घाट ना रहे। इस तों इलावा सकत्रेत दे विच 150 सेवादारा की भर्ती की जाएगी। नाल ही उन्होंने दस्या कि स्कूलों की सांभ संभाल सफाई और सुरक्षा नूं यकीनी बनाउण दे लई 33 करोड़ रुपए जारी किए गए ने। होर कई अहम फैसलों ते खजाना मंत्री हरपाल चीमा ने कुछ जानकारी सांझी की है, आओ जानते हां। पंजाब सिविल सैक्रेटरीएट जिथे आप बैठे हाँ सारे इस दे अधीन भी इतने जिहड़ियां 150 के करीब 150 के करीब सेवादार दियां असामियां जी प्रवानगी दी गई है। ये नाल ही 23 पोस्टा चौकीदारा दियां जिहड़ियां बदली दे अधीन भरिया जाणगियां पर लेकिन 150 असामियां सेवादार दियां सी जिहड़ियां ने वो नवीं भर्ती करन दी प्रवानगी दी है क्योंकि तुहानूं सारिआं नूं पता गा कि पिछले 5 साल तक कोई पंजाब के लोग इत्थे आउंदे नहीं सीगे, लगभग सैक्रेटरीएट बंद रहिंदा सीगा और सारे मुख्यमंत्री साहब भी लोगों को मिलते सके और माननीय मुख्यमंत्री साहब तो लैके साडे सारे मंत्री साहबान लगातार हर रोज़ जदों भी इत्थे कदे मीटिंग हुंदी आ जां अपना कामकार हुंदा गा लोगों को मिलते सो ये बहुत भारी जिहड़ी मंग सीगी। सो अज 150 असामियां जिहड़ियां नेगियां उन्हां दी भी जिहड़ी रचना की गई आ और 150 असामियां जिहड़ियां ने वह इस डिपार्टमेंट के अंदर सैक्रेटरीएट के अंदर जिहड़ियां ने वह सेवादारां दीआं भरियां जाणगियां। साढ़े जिहड़े बच्चे स्कूलों च खास करके सरकारी स्कूलों पढ़ रहे हैं उन्होंने अंदर स्कूलों की साफ सफाई नू लैके स्कूलों की सिक्योरिटी नू लैके स्कूलों के अंदर जिहड़े उत्थे स्कूलों का प्रबंध करन दे लई वह तीन जिहड़ियां सी वख-वख कैटागरी तहत अज पंजाब सरकार ने फैसला किया गया कि सांभ संभाल नू यकीनी बनाउण दे लई असी जिहड़ी सफाई नू सुरक्षा नू लैके उहदे विच असी प्रवानगी दित्ती आ कि
ਉੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕੇ, ਔਰ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 14,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ, ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਔਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨੇਗੇ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ .com D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।